हाय फ्रेंड्स, आज आम बनवा बेसन तरकारी। तो बेसन तरकारी प्रायत तो समस्ते कि ना कि बनईबे, तो आज आम कि डिफरेन्ट स्टाइल बेसन तरकारी बनवा। ता सहित बिना टमाटर रे किपर आम ग्रेवी प्रस्तुत करवा तार रेसीपी आज मुझे सेयार करी। तो नमस्कार फ्रेंड्स, ऋषिकुला कुकिंग चैनल को आपण समस्त अनेक अनेक स्वागत। तो चलत आज रेसीपी बनवा स्टार्ट कर नवा। तो ये गोटे बॉइल नहीं जाइए, एवं आम से देदेबा बेसन। तो बेसन क्वांटिटी आप कम बेस भी करेंगे। तो ये गोटे किना बेसन नहीं जाइए हेंगू हाफ चमच, अदा रसुण पेस्ट। तो ये आप छेचा यूज करेंगे, पेस्ट यूज करेंगे। ता सहित नहीं जाइए गोटे चमच गरम मसला, गोटे चमच जीरा गुंडा, गोटे चमच हल्दी गुंडा, ता सहित धनिया गुंडा गोटे चमच। एबे आमे एतरे देदबा स्वाद अनुसार लुण, ता सहित भल फ्लेवर पाई देदबा कस्तूरी मेथी। एबे आमे देदबा अल्प लंका गुंडा, किछि लंका गुंडा जगह फ्रेंड्स आपण चाहिए चिली फ्लेक्स को भी यूज करें। तो एबे आमे एही बेसन को पानी रे न गुळाई कि दही रे गुळाइबा, जहाद्वारा कि बहुत बढ़िया टेस्ट आने। तो एबे दही अल्प अल्प दे कि मु भल भाबरे गोटे डो टाइप रो बनाइ नेबी। तो भल भाव यह चकटी नवा, जहाद्वारा कि आम बेसन टी पूरा सॉफ्ट हो जीवो। तो फ्रेंड्स, बेसन को चकटापी जो दही दरकार, तो से दही बिल्कुल भी खटा हो न। तो ये देखो मुझे बढ़िया से चकटिकी रखी नहीं। तो ये आम हाथ में अल्प तेल हाथ हो जा। तो बेसन को एमती आणिकी गोटे सेप बनवा। तो ये मुझे फिंगर सेप रे बनई। तो एमती मोटामोटा टाइप रे बन पारे, ना पतला टाइप रे बन भी सेप दे पारे। एबे हमें फ्रेंड्स यही बेसन को छाणी नबा। तो ये आम तेल यूज करवानी, पानी रे छाणी। तो ये गोटे कढ़ई रे पानी गरम करना थी। तो पानी को फुटिया पर्यंत छाड़ी नबा, जहाद्वारा कि आम बेसन ये तले लगे कि फिटबानी। तो ये आम पानी बढ़िया से फुटीगला। तो रखिथबा बेसन को यही स्टेज में आड करनेबी। तो बेसन को बढ़िया आगे आम सीझे नबा 5-10 मिनिट पर्यंत। जिते सीझे बेसन टी बहुत टेस्टी लगे, आउ जल्दी भी सॉफ्ट बने आम ग्रेवी रे। एबे आमे यहाँ कवर करके सीझे पारा, ना एमती नॉर्मल भी ताको छाड़ी सीझे पारा। बिल्कुल भी यहाँ पानी रे फिटबानी, जेहेतु आम पानी टी बढ़िया से फुटी जाइला। तो ये देखो 10 मिनिट पर आम चेक कर नवा, बेसन टी बढ़िया से सीझी जाइए। आप देखिपे आर कलर देखिपे आर साइज रु भी देखिपे। तो ये आम सबूक गोटे प्लेट कु छाणी आनवा। तो छाणी की फ्रेंड्स आपको थंडा करने 10 मिनिट छाड़द। तो 10 मिनिट पर आपको आम काटा। एबे आमर बेसन टी फ्रेंड्स बढ़िया से थंडा जाए। तो एबे आम गोटे छुरी साहाज्य एमती छोट छोट भाग में पीस कर नवा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप नॉर्मली चटनी कि सॉस साथे खाई कि आप तेल एमती फ्राए करके डीप फ्राई नुएं हल्का फ्राए करके भी खाई बहुत बढ़िया लगे। तो एमती आम यहाँ ग्रेवी बनवा आज। तो ये आम सब रेडी जाइए। तो आपको आप छाणी बन पारे, बट मुझे एमती नॉर्मली साधारे बनईबी। तो ग्रेवी बनवापी ये टमाटो यूज करनी, दही यूज कर। तो ये देखते मुझे गोटे कप दही नहीं जाइए, आ दही की बढ़िया से फेटी नहीं थी। ये फ्रेंड्स आम घर कि पैकेट दही जेकोस दही भी यूज कर, बस दही आम टे गा दरकार। तो ये आम गोटे चमच करी पाउडर देखिए बढ़िया से दही में फेटी नवा। जदि भी फ्रेंड्स आपण पाखे करी पाउडर न थाए, ताले एथिरे आपण धनिया पाउडर गोटे चमच, जीरा पाउडर हाफ चमच, ता सहित गरम मसला हाफ चमच नहीं पारे। तो ये आम कढ़ई बढ़िया से तातीगला। तो ग्रेवी बनवाई कि मुझे अल्प सोरिष तेल यूज करी, जहाद्वारा कि टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये आम ए गोटा मसला पकई ना। तो गोटा मसलार मुझे जीरा तेजपत्र गोटे बड़ अलैच पकईली, ता सहित लवंग 2-3 किसी डालचीन पकई नहीं थी। तो गोटा मसला बढ़िया से फुटीगला। एमें रखि पिज को पकई ना, पिज को मुझे छोट छोट भाव में काटि नहीं थी, जल्दी बनीज। तो आप चाहिए ये पेस्ट भी यूज करें। तो पिजर आम कलर टी चेज हो जा। तो ये आम एद अदा रसुण पेस्ट गोटे चामच। तो अदा रसुण आउ पिज को बढ़िया से आम कषि ना तार कंचा स्मेल जीवा पर्यंत। एबे आम पकईना पाई 2-3 कंचा लंका। तो कंचा लंका को मुझे मझीर फाड़ कर काटी, ता सहित हाफ चमच हेंगू देदेवि। तो ये आम यहाँ बढ़िया से कषि नवा।
किसी समय पर आम एदेव हल्दी गुंडा गोटे चमच काश्मीर लंका गुंडा गोटे चमच एवं आम बढ़ाए तेल में कषि नवा जहाद्वारा कि आम कलर बहुत ही बढ़िया देखा ग्रेविरे तो पा देक कषि ने जहाद्वारा कि आम मसला बिलकुल भी लगभानी ते तो पांच मिनिट कषि नापर एवं आम थंडा करने ही पांच रु दस मिनिट वेट कर नवा तो मसला थंडा होगले आम दही जो गोड़ प्रस्तुत करते स्टेज आड करके बढ़िया से घाटी नवा जहाद्वारा कि आम दही टी ग्रेवी बिलकुल भी फाटबन आउ टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगे तो ये दही को आ मसला साथ बढ़िया से आम गोड़ नवा तापर आम चूला को अन कर नवा एटी देखो फ्रेंड्स किसी समय पर मसला टी बढ़िया से कषिगला तो एवं आम ग्रेवि अनुसार पानी दे दबा तो पानी दे कि ताकू पांच मिनिट फुटिया पें कि छाड़ दबा पांच मिनिट पर फ्रेंड आम कभर खोल की चेक कर नवा तो ये देखो तो बढ़िया समय ग्रेवि प्रस्तुत हो गला तो एवं आम ए स्वाद अनुसार लुण पकई नवा ता सहित रखि बेसन रिशेष गुराक सब ये स्टेज आड कर नवा तो एवं आम ए गोटे ग्लास पानी दे दबा जहाद्वारा कि आम बेसन सहित मसला भी बढ़िया से सीझीज सहित बढ़िया टेस्ट भी आसव दुई तीन मिनिट फ्रेंड्स आम एम बिना कभर यह फुटाए नवा तापर देखो तो आम ग्रेवी बढ़िया से बनिक प्रस्तुत हो गला तो बेसन रहीपरी तरकारी बहुत ही टेस्टी लगे आहुत जल्दी भी बनी जाए तो फ्रेंड्स आज आपन एहाको घरे ट्राए करंतु आ मते कमेंट माध्यम रे आपनकर मत निश्चय जाने नबे तो लास्ट को आमे एटी ऐड करना बा कस्तूरी मेथी तो कस्तूरी मेथी रो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगे आपन चले धनिया पत्र भी यूज करिपरिबे तो आज रो वीडियो टी फ्रेंड्स आपनकु जदि पसंद आस्ताए निश्चय लाइक एंड शेयर करिबे ता सहित जदि भी चैनल नुआ आस्तांती सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी तो रहूची देखा आपन नेक्स्ट वीडियो रे नमस्कार जय जगन्नाथ।